प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं हूं मनीष और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, अभी जो प्रीव्यू में आपने वीडियो देखा, तो दोस्तों इस तरह के 3D फिट वाले स्टेटस वीडियो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करते हैं। मैं रेगुलर आपके लिए एक इस टॉपिक पर एक वीडियो लेकर आता हूं। आपको अगर ट्यूटोरियल पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज मैं इसका फुल एडिटिंग बताने वाला हूं। प्रीसेट मैं प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूं, उसके लिए माफी चाहता हूं। एक मेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन आपको क्या करना है, एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। दोस्तों, एलाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन होने पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। गाइज, यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है। रेजुलेशन 1080 रखिएगा और 2340 दूसरी साइड में कर दीजिएगा। फ्रेम रेट 60 या 30 भी रख सकते हैं। बैकग्राउंड ब्लैक करके क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। देन प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, मीडियम जाएगा। मीडियम जाने के बाद गाइज, आपको जो डाउनलोड आप किए हैं उस वाले फाइल में आ जाना। आने के बाद यहाँ पे आप बैकग्राउंड इमेज वीडियो जो है ले लीजिएगा। इसके बाद प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, मीडियम जाएगा। ये वाला जो पेड़ वाला PNG देख सकते हैं, इसे भी ले लीजिएगा। लेने के बाद इसे मूव कर लीजिएगा, इस तरह से जूम कर लीजिएगा। ठीक है, इतना तक जूम आप करके रख लीजिएगा, ऐसे रख लीजिएगा। जैसे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, तो इस तरह से आप भी रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से इसे सेट कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और इसे छोटा करते, थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो थोड़ा और छोटा करके यहाँ पे रख लेते। ऐसे आप भी रख लीजिएगा, जैसे आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन पर रख लिया। अब गाइस, यहाँ पे आपको प्लस का आइकन पर क्लिक करना है, मीडियम जाना है। जो भी फोटो, जो मॉडल इमेज आप यहाँ पर यूज करना चाहते हैं, उस मॉडल इमेज को ले लीजिएगा। तो मैं फोटो रूम में कुछ इमेज रखा हूँ, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। चलिए, तब तक के लिए मैं इस वाले PNG को ले लिया। लेने के बाद इसे मूव वगैरह करके, जूम आउट वगैरह करके आप एडजस्ट कर लीजिए जहाँ पे भी रखना चाहते हैं। तो मैं इस इमेज को यहाँ पे सेट कर रहा हूँ ऐसे। बट यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो इमेज है, इसमें थोड़ा सा इस साइड में जो क्लोथ है राधा का वो कटा हुआ है, उधर कृष्ण का भी क्लोथ कटा हुआ है। तो उसे हम एडजस्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिए, मीडियम जाइए। कोई सा भी PNG आप यहाँ पर ऐड करके एडजस्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर जो PNG ले रहा हूँ वो आपको प्रोवाइड कर दूँगा, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ PNG है, चलिए मैं तब तक के लिए इसी को ले लेता हूँ। देन यहाँ पर इसे थोड़ा छोटा कर लेंगे, करने के बाद इसे एडजस्ट कर देंगे यहाँ पे। इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे कि देखने में भी सही लगेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। अब यहाँ से इसका एक तो डुप्लीकेट कर लेंगे। करने के बाद गाइस, आपको क्या करना है, इस साइड में जो कृष्ण के दूसरी साइड में जो है, इस साइड में इसे मूव करके आप रख लीजिए। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ, अभी तो ये सही से दिख नहीं रहा। तो दिखने के लिए क्या करेंगे, चारों को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद इसका ग्रुप बना लेंगे। अब ग्रुप को सिलेक्ट करके इस साइड में मूव करेंगे तो यहाँ पर ये दिखने लगेगा। तो देख सकते हैं मैंने जो एडजस्ट किया, तो ये ऑटोमेटिक ही एडजस्ट हो गया। बट फिर भी हम एडिट ग्रुप में चलते हैं, तो इस तरह से कुछ ओपन होगा, सेकेंड वाले को ओपन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एडजस्ट इस तरह से कर लेना है कि जो कृष्ण का क्लोथ है वो दिखे ना, यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट हो जाए। परफेक्ट, यहाँ पे हमारा काम हो गया। अब यहाँ से बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद इसके लास्ट में आइए, इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे लास्ट तक खींच लीजिएगा। अब गाइस, यहाँ पे इसे कलर वगैरह एडजस्ट करने के लिए इफेक्ट में जाइएगा, ऐड फ्रेम में जाइएगा। यहाँ पे आपको कलर लाइट में जाना है, एक्सपोजर गामा एक दिखेगा, इसे सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिए। कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब एक्सपोजर आप बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, घटाना चाहे तो घटा सकते हैं। बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आपको बस इसे एडजस्ट कर देना है कि देखने में दोनों मैचिंग टाइप का लगे, और गामा को भी यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे परफेक्ट लग रहा है, मैं रहने देता हूँ। देन इसके स्टार्टिंग में आ जाएंगे। आने के बाद गाइस, यहाँ पे कुछ PNG आपको ऐड करना है, तो सबसे पहले ऐड फ्रेम पर जाइएगा, यहाँ पे मीडियम जाएगा। जो फाइल आप मटेरियल डाउनलोड किए हैं उसमें एक शैडो PNG होगा, इसे लेकर 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा, फिल कंपोजिशन एरिया कर दीजिएगा। तो ये देख सकते हो थोड़ा मैचिंग टाइप का लगने लगेगा। अभी इसे आपको लास्ट तक कर देना, जो PNG आप लिए हैं उसे लास्ट तक कर लीजिएगा, फिर स्टार्टिंग में आ जाइएगा। यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा है, ये बैकग्राउंड वाला जो वीडियो थोड़ा पहले ही खत्म हो रहा है, तो सिंपली इसे कट कर देते हैं और ग्रुप को भी थोड़ा सा कट कर देंगे। परफेक्ट, अब ये ब्लैक सब एक साथ में हो रहा है। ठीक है, परफेक्ट, अब स्टार्टिंग में आ जाइएगा। आने के बाद गाइस, प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिए, मीडियम जाएगा और ये वाला PNG आप ले लीजिएगा। लेने के बाद मूव ट्रांसफॉर्म में जाइएगा, जूम वगैरह जूम आउट करना चाहे, जूम इन करना चाहे आप कर लीजिएगा। और ये पॉइंटर जो है, इस पर 2 बार टैप कीजिए तो आपको स्वाइप हेयर टू मूव पॉइंट टू पॉइंट पीवोट पॉइंट का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे एक ब्लैक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, इस पॉइंटर को आपको नीचे की तरफ यहाँ पे रख लेना। देख सकते, ये पॉइंटर आप देख रहे हैं सबसे नीचे वाले पत्ती पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इसे आपको नीचे रख लेना कुछ इस तरह से। अब इसके बाद आपको क्या करना है, मूव पे फिर से क्लिक कर देना तो ये मूव होने लगेगा। इसे आप कुछ इस तरह से यहाँ पे रख लीजिएगा, जैसे आप देख सकते मैंने रख लिया। इसके बाद यहाँ से बैक आ जाइए, बैक आने के बाद इसे आप लास्ट तक कर दीजिएगा ऐसे। फिर इफेक्ट पे क्लिक कीजिएगा, ऐड फिट पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको गाइस मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाना है, यहाँ पे स्विंग को सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। देन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को आपको सबसे पहले डाउन करके 0.20 या 25 तक रख लीजिएगा, तो मैं 20 रहने देता हूँ। एंगल को आपको माइनस में ये है तो माइनस में ही 10 कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं -10 मैंने कर दिया। अब इसी को सेकेंड एंगल 2 को प्लस में ही 10 रख लेना है।
तो एक को माइनस में एक को प्लस में आप रख लीजिएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये हो गया। देन थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लीजिएगा। इसका काम हो गया। आप स्टार्टिंग में आएंगे और प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। परफेक्ट इस तरह से दिख रहा है। अब स्टार्टिंग में आना, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, मीडियम जाना है। रेड वाला जो आप ट्री देख सकते हैं इसे भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। मूव ट्रांसफॉर्म में जाइएगा, मूव वाले ऑप्शन पे एक बार फिर से क्लिक कीजिए। स्वाइप हियर टू मूव पिवोट पॉइंट जो है, तो इस पर आप ये ब्लैक वाला पॉइंटर देख रहे हैं तो इसे आपको लेकर नीचे की तरफ कर देना है इस तरह से। देन यहाँ से फिर से मूव पे क्लिक करके और इसे नीचे लेकर आ जाइएगा। ऐसे आप देख सकते हैं जैसा मैं रख लिया, इसे थोड़ा सा और मूव कर जूम कर देंगे और इसे इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा। परफेक्ट देख सकते ये हो गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसे पूरा लास्ट तक कर लेना है। करने के बाद इफेक्ट में जाना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट करना है, इफेक्ट को ओपन करना है। यहाँ पर आपको एंगल वन पे आ जाना है और इसे आपको प्लस में 10 कर देना है। एंगल वन को प्लस में 10 कर लीजिएगा, एंगल टू को माइनस में 10 कर दीजिएगा। परफेक्ट ये हो गया। देन यहाँ से स्टार्टिंग में आकर स्क्रीन पे टैप कीजिए, प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, मीडियम जाइएगा। फिर से आपको एक ट्री आपको मिलेगा, इस ट्री को भी ले लीजिएगा। लेने के बाद गाइस इसका भी मूव ट्रांसफॉर्म में जाइएगा, मूव वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, ये पॉइंटर को नीचे रख लीजिएगा। नीचे रखने के बाद गाइस यहाँ पे फिर से मूव पे क्लिक कीजिएगा और इसे नीचे लेकर आ जाइए कुछ इस तरह से। यहाँ पे इत्ता पे रख लीजिएगा। रखने के बाद आप जूम करना चाहे तो जूम भी कर सकते हैं, आउट करना चाहे तो आउट भी कर सकते हैं। तो मैं इत्ता पे रहने देता हूँ, इसे भी लास्ट तक कर दीजिए। तो ये वाले पॉइंटर पर दो बार टैप करेंगे, ये वाले पॉइंटर पर एक बार टैप करेंगे, पूरा लास्ट तक आ गया। इफेक्ट में जाना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है, तो यहाँ पर ये पेस्ट हो जाएगा इफेक्ट। अब गाइस एक चीज़ और मैं बता दूँ, साउंड अगर आप चेंज करना चाहे तो क्लिक कर सकते हैं। तो साउंड चेंज करना चाहते हो सबसे पहले नीचे वाले बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके इसका साउंड म्यूट कर दीजिएगा, क्योंकि साउंड इसमें पहले से लगा हुआ था। तो मैं साउंड म्यूट कर दिया। अब इसे प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। काफ़ी क्रिएटिव लग रहा है, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। बट बैकग्राउंड वाला जो ये जो पीएनजी है जिसका हम ग्रुप बनाए थे, इसमें अभी कोई भी इफेक्ट नहीं लगा है। तो इस पर भी अभी इफेक्ट हम लगाएंगे। तो उसके लिए स्टार्टिंग में आ जाइएगा, मूव ट्रांसफॉर्म में जाकर की लगाइएगा। की लगाने के बाद इसे एक साइड में पूरी तरह से मूव कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, एक साइड में पूरी तरह से मूव कर दिए बराबर से, यहाँ पे देख सकते इस तरह से। फिर लास्ट में जाकर यहीं पर की लगा लीजिएगा। अब इसके बाद आपको बीच में आ जाना, जैसे 24 सेकेंड के अकॉर्डिंग में है, 23 सेकेंड है, तो मान लीजिए 12 सेकेंड पर आपको बीच में आ जाना, दरमियान आपका इतना पे हो जाते हैं, की लगा लीजिएगा। अब इसे आपको मूव करना है एक साइड में पूरी तरह से, रेड लाइन के साथ में रहिएगा, रेड लाइन जो आप देख सकते हैं तो इसके साथ में रहिएगा, और यहाँ तक जहाँ तक ये जाएगा बीच में इसे जाने दीजिएगा। अब इसके बाद आप प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। गाइस इसमें आप चाहे तो कर्व भी दे सकते हैं, कर्व देने के लिए इस कर्व को सिलेक्ट कीजिएगा, इसे यहाँ पर रख लीजिएगा और इसे इत्ता पर रख लीजिएगा इस तरह से, और फिर इसी को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं दूसरी साइड में, या फिर दूसरी साइड में आने के बाद इसे इतना पर रख लीजिएगा और इसे इतना पर रख लीजिएगा। तो अब आप अगर स्टार्टिंग में प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो चलिए इसका काम हमारा हो गया। अब गाइस यहाँ से आपको बैक आ जाना है, बैक आने के बाद स्टार्टिंग में ये प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, मीडियम जाइएगा। जो पीएनजी इस पीएनजी को लेने के बाद आपको क्या करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके और इसे फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है, तो पूरे स्क्रीन पे आ जाएगा। इसके बाद मूव करके इस साइड में यहाँ पे इसके बराबर में रख लीजिएगा, जैसे आप देख सकते हैं इस तरह से आप रख लीजिएगा, या फिर एक साइड से इसे रख सकते हैं किसी भी एक साइड से। तो मैं थोड़ा और इसे जूम कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा और जूम कर लेते हैं और इसे एक साइड में ऐसे रख लीजिए जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब आपको गाइस क्या करना है, इसे या तो पूरा लास्ट तक कर लीजिए या फिर 4 सेकंड तक भी कर सकते हैं, तो मैं पूरा लास्ट तक कर दिया हूँ। और फिर इसके स्टार्टिंग में आकर मूव ट्रांसफॉर्म जाइएगा, एक की लगा लीजिएगा। की लगाने के बाद मिनिमम 4 सेकंड पर आ जाइएगा, उससे ज़्यादा नहीं कीजिएगा, 4 सेकंड ही सही रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा 4 सेकंड, 4 सेकंड पर आने के बाद एक की लगाइए, की लगाने के बाद इसे मूव कीजिएगा इस साइड में, फिर बीचों बीच लेकर आ जाइएगा इस तरह से, बीच में लेकर आ जाइएगा। यहीं पे जूम वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे एक की लगा लीजिए, फिर स्टार्टिंग में जाकर एक की लगाइएगा और सेकंड वाले पे जाकर इसे जूम कर दीजिएगा, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे जूम कर लीजिएगा, जितना जूम कीजिए कि पूरी तरह से विजुअल हो जाए। अगर यहाँ पे आप प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस साइड में मूव करते हुए ये पूरी तरह से यहाँ पर ढक देता है, हमारा जो मॉडल है उसे ये ढक दे रहा है। तो अब इसे आप मूव कीजिएगा इस साइड में, इधर को यहाँ पे इस तरह से कर लीजिएगा। आप चाहे तो यहाँ पे रहने दे सकते हैं या फिर जूम वाले पे क्लिक करके इसे और भी जूम कीजिएगा इस तरह से यहाँ पे, और फिर यहाँ मूव वाले पे आकर और इसे पूरी तरह से गैप कर दीजिएगा इस तरह से दोनों साइड से। तो ये स्टार्टिंग में जब आएंगे तो प्ले होगा तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है और काफ़ी अच्छी तरह से हमारा एडिटिंग जो फिनिश हो चुका है। अब इसमें एक सॉन्ग की जरूरत है तो आप इजीली कोई भी सॉन्ग ऐड कर सकते हैं। सॉन्ग ऐड करने के लिए आप डायरेक्ट प्लस के आइकन पर क्लिक करके ऑडियो में जाकर कोई भी सॉन्ग ले सकते हैं, या फिर आप किसी वीडियो से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो प्लस के आइकन पर क्लिक करके मीडियम देंगे। जो भी वीडियो से ऑडियो को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर वीडियो को सिलेक्ट कीजिएगा और
वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर दीजिएगा तो ऑडियो आपका मिल जाएगा। इस वीडियो को सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। अपले करने पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप एडजस्ट कर लीजिए, मैं इसे रहने देता हूँ। अब जब सारा चीज़ कंप्लीट हो जाए तो इस वीडियो को सिंपली सेव कर लीजिए। सेव करने के लिए ऊपर एरो पे क्लिक कीजिएगा, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, वीडियो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। इस तरह का और भी एडिटिंग करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।